आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूं एक एप्लीकेशन के बारे में जिस ऐप का नाम है प्रोबो। और इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि गाइस आप इस ऐप में अपना बैंक अकाउंट कैसे चेंज करेंगे। आप गाइस यहां पे जिस बैंक अकाउंट में गाइस आप पेमेंट लेते होंगे, जिससे गाइस यहां पे विड्रॉ करते होंगे, तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि गाइस उस बैंक अकाउंट गाइस कैसे चेंज कर सकते हैं और चेंज करने गाइस यहां पे क्या प्रोसेस है। और कुछ लोग गाइस चेंज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग गाइस यहां पे चेंज कर लिए हैं तो उनको फिर चेंज करना है। तो इस वीडियो में आपको मैं सारा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा गाइस कैसे आप चेंज करेंगे और मैं आपको चेंज करके भी दिखाऊंगा। तो अगर आप भी गाइस यहां पे इसमें अपना बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिसमें कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आप बहुत आसानी से अपना पेटीएम नंबर मतलब यहाँ गाइस यहाँ पे बैंक अकाउंट को चेंज कर पाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पे देखेंगे मैंने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। गाइस यहाँ पे आप लोग को अपना बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए गाइस यहाँ पे आपको वॉलेट का ऑप्शन दिखेगा। सिंपल वॉलेट के ऑप्शन पे जाना है और गाइस यहाँ पे वॉलेट के ऑप्शन पे जाएंगे तो उसके नीचे में गाइस एक ऑप्शन गाइस यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसका नाम है माई यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन का। तो सिंपल गाइस आपको करना है कि गाइस यहाँ पे आपको केवाईसी वेरिफिकेशन ऑप्शन पे जैसे गाइस यहाँ पे आप एंटर करेंगे आपके सामने में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस है जिसमें कि आपका यहाँ पे नेम देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका पैन कार्ड दिखेगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिखेगा और यहाँ पे गाइस आपने जो गाइस यहाँ पे यूपीआईडी को लिंक करके रखा होगा गाइस वो यूपीआईडी दिखेगा। तो मैंने गाइस यहाँ पे दो यूपीआईडी मैंने लिंक करके रखा हुआ। मैं आपको बता दूँ कि इसमें गाइस आपका बैंक अकाउंट चेंज करने का ऑप्शन नहीं है गाइस यहाँ पे। अगर आपने पहले से एक यूपीआईडी को डाल रखा है तो आपको गाइस यहाँ पे एक और यूपीआईडी डालने का ऑप्शन आएगा गाइस ऐड यहाँ पे पेमेंट मेथड का। तो गाइस आप यहाँ पे दो यूपीआईडी को डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो यूपीआईडी को मैंने डाल दिया तो अब मेरा गाइस यहाँ पे ऐड यूपीआईडी का ऑप्शन खत्म हो गया। यानी गाइस यहाँ पे मैं कहने का मतलब है गाइस आप यहाँ पे दो यूपीआईडी को चेंज कर सकते हैं, यानी दो यूपीआईडी को रख सकते हैं। जैसे कि मैंने दो यूपीआईडी को रखा, अब गाइस यहाँ पे इसे चेंज करने कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप लोग को और मतलब यहाँ पे यूपीआईडी गाइस इसको चेंज करने करके गाइस आप कोई और यूपीआईडी को रखना चाहते हैं तो उसके लिए गाइस आपको यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट से बात करना होगा। यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट से बात करने के करके ही गाइस यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो गाइस आप यहाँ पे अगर कोई और रखना चाहते तो यहाँ पे आपको ऐड यूपीआईडी दिखेगा, सिंपल उसमें जाए और जाकर गाइस आप एक न्यू यूपीआईडी को यहाँ पे ऐड कर ले। जब आप पैसे विड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर आपको चूज करने का ऑप्शन है। चले गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कैसे गाइस आपको चेंज करना है। जैसे गाइस यहाँ पे देखेंगे मेरे पास गाइस यहाँ पे 4400 रुपये है। सिंपल गाइस यहाँ पे विड्रॉ के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे चले गाइस मैं यहाँ पे 100 रुपये गाइस मैं यहाँ पे डालता हूँ 100 रुपये और यहाँ पे गाइस आपको पेमेंट मेथड आपको दिख रहा होगा। सिंपल गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको इस पे जाना है और यहाँ पे गाइस आप चेंज कर पाएंगे कि गाइस आपको इसमें लेना है कि गाइस आपको यहाँ पे इसमें लेना है। तो गाइस आप यहाँ से पेमेंट मेथड को चेंज कर सकते हैं, चेंज करके गाइस आप इस प्रकार से विड्रॉ कर पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से गाइस आप यहां पे अपना बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया। तो यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।